हेलो गर्ल्स, हाय सभी जो जितनी भी क्लास सिक्स की गर्ल्स हैं उनको मेरा हाय हेलो। और आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि जो आप लोगों का एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ना, वो उसमें क्या क्या आएगा या फिर आप कौन से सब्जेक्ट पढ़ें जिनसे आपको थोड़ा सा आइडिया लगे कि जब आपका टेस्ट हो एप्टीट्यूड टेस्ट तो आप उसको अच्छे से दे पाओ। ठीक है, यहाँ पर मैंने वनस्थली की वेबसाइट से ही मैंने क्लास सिक्स का जो सैम्पल पेपर है वनस्थली का एप्टीट्यूड टेस्ट का, वो मैंने यहाँ पर लिया है, उसी में से मैं आपको बता रही हूँ। और ये मैं इसका लिंक ना आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो अगर आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये आसानी से मिल जाएगा। अब बात करते हैं, यह है ना किसी भी पाठ्य पुस्तक पर आधारित नहीं है। अगर इसके लिए मतलब आप चाहो कि एक पर्टिकुलर बुक हो जो वनस्थली का एप्टीट्यूड टेस्ट आप क्वालिफाइड कर लो, तो ये ऐसा नहीं है। इसके लिए कोई भी बुक नहीं है, आपको खुद ही पढ़ना है। कॉमन सब्जेक्ट इसमें आएंगे, जैसे क्लास सिक्स एवं नाइन्थ में प्रवेश हेतु तीन मुख्य विषयों की परीक्षा दी जाती है। फॉर एंट्रेंस इन क्लास सिक्स एंड नाइन्थ ए कैंडिडेट विल बी टेस्टेड इन थ्री मेन सब्जेक्ट्स। नंबर वन है हिंदी, इंग्लिश और मैथ, ये तीनों आती हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओके। दूसरा है प्रत्येक प्रश्न पत्र की समय विधि एक घंटा होती है। ईच पेपर विल बी ऑफ वन आवर ड्यूरेशन, बहुत छोटा छोटा इसमें लिखा है। गणित का जो पेपर होता है क्वेश्चन पेपर इन मैथमेटिक्स विल बी दो भाषाओं में होता है, हिंदी में भी होता है, इंग्लिश में भी होता है। सारे पेपर आपको हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। इंग्लिश का पेपर आपको प्रॉपर इंग्लिश में मिलेगा और हिंदी का तो हिंदी में ही होता है। अब यहाँ पर है एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ, फाइव और सिक्स क्लास के ऊपर होता है ये, एक मिनट। प्रवेश परीक्षा का आधार एलिजिबिलिटी टेस्ट विल बी बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ, कक्षा 6 के लिए कक्षा 5 का स्तर होगा, कक्षा 9 के लिए 8 का स्तर होगा। मतलब अगर आप 9th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 8th की पढ़ाई करनी है, यदि आप 6th क्लास में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको 5th क्लास की पढ़ाई करनी है। प्रवेश परीक्षा में आप भाषिक ज्ञान में सामान्य प्रश्न पूछे जाएंगे, व्याकरण, अपठित गद्यांश, ओके, पत्र एवं निबंध आदि के द्वारा बच्चे की भाषा एवं भाषिक ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ती हूँ। इन लैंग्वेज फॉलोइंग एरियाज विल बी कवर्ड, कॉम्प्रिहेंशन, फ्री एक्सप्रेशन एंड ग्रामर, तीन चीज़ें आएंगी आपकी हिंदी में। गणित में आपका जो आएगा, इन मैथमेटिक्स फॉलोइंग स्किल्स विल बी टेस्टेड, रीजनिंग आएगी, अंडरस्टैंडिंग आएगा, एप्लीकेशन आएगी और कंप्यूटिंग आएगी। तो तीन सब्जेक्ट्स हैं जिनका पेपर आपको देना है एप्टीट्यूड टेस्ट में। तीन सब्जेक्ट आएंगे, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ओके। और पूरा पेपर मतलब एक एक पेपर जो है वो एक एक घंटे का होगा। और हिंदी का पेपर जो है 50 नंबर का है, इंग्लिश का पेपर 25 नंबर का है और मैथ का पेपर जो है 25 नंबर का है। ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है। और हिंदी के मैं आपको सवाल बता दूं किस तरीके के सवाल आएंगे, जैसे श्रीमान का उचित स्त्रीलिंग शब्द छांटिए, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं श्रीमती, महोदया, माननीय, जो भी बोलते हैं, ओके। तो ये आपको थोड़ा सा ग्रामर, हिंदी की ग्रामर पढ़नी होगी आपको। इंग्लिश में वैसा है सब्जेक्ट, मतलब वैसे क्वेश्चंस हैं कि पिक आउट अ वर्ड दैट इज अपोजिट इन मीनिंग, अपोजिट वर्ड आएंगे, ये सब देख लीजिएगा आप एक बार। और मैथ में मैं आपको बता चुकी हूँ, मैथमेटिक्स में रीजनिंग भी आएगी और कंप्यूटिंग भी आएगा, एप्लीकेशन भी आएगा और आएगा आपका अंडरस्टैंडिंग, कंप्यूटिंग एंड एप्लीकेशंस। तो ये है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगी, आपको वहाँ पर पूरा ये मिल जाएगा पीडीएफ, तो आप इससे थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो कि आपको ये कैसे पढ़ना है, क्या करना है। और आप मेरी दूसरी 9th क्लास के बच्चों के लिए मैं वीडियो और एप्टीट्यूड टेस्ट के बारे में बताने वाली हूँ, तो वो आप देख सकते हैं, ओके। चलिए, कोई भी क्वेरीज हो तो मुझसे आप पूछ लीजिएगा। यूट्यूब पे जल्दी कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ मैं, क्योंकि इंस्टा मुझे थोड़ा सा लेट से खोलती हूँ ना इसलिए, और मुझे मच्छर बहुत परेशान कर रहे हैं, पता नहीं कहाँ से आ गए हैं बारिश के बाद।